नमस्कार, अपने परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ दही भल्ले, दही बड़ा। तो इसके लिए मैंने लिया है उड़द का दाल, तेल। सबसे पहले हम दाल को पानी में 15-20 मिनट के लिए भिगोएंगे। तंदर में हो चुका है, मैंने पानी निचोड़ लिया था, मैंने पीस लिया है इसको। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने तेल ले रखा है, इसमें थोड़ा सा मैंने इनो डाला था। आपके मेरे पास बेकिंग सोडा और वो नहीं था, बेकिंग पाउडर, तो मैंने इनो इसमें डाला है, जिससे ये फूल कर बिल्कुल स्पंजी होगा। गरम हो रहा है, ये हमारा तेल गरम हो चुका है। और हम इसमें छोटे छोटे दही भर लें, फिर हम पकौड़े तल लेते हैं। ये देखिए, मैंने पानी रखा है गर्म होने के लिए, जिसे दही भल्ले हमारे दही भल्ले जब तेल फ्राई होकर आ जाएगा तो इसमें पानी में हम डालेंगे, जिससे फूल कर हमारा और स्पंजी हो जाए, खाने में टेस्टी। इसके लिए मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है, गैस को मैंने हाई फ्लेम रखा है। ये देखिए, हमारा दही भल्ले बिल्कुल ब्राउन हो रहे हैं, फूल फूल के बड़े बड़े हो रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए सारे दही भल्ले हमारे मैंने तल लिया है। और देखिए कितना सुंदर हमारा दही भल्ले हो चुका है, पक चुका है, गर्म हो चुका है। इसमें हम सारे दही भल्ले इसमें डाल देंगे, जिससे फूल का बिल्कुल स्पंजी हो जाएगा और अच्छा लगेगा खाने में। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देते हैं प्लेट से, आगे दिखाते हैं आप। भल्ले कितना अच्छा पानी में स्पंजी हो गया है, बिल्कुल फूल कर, देखिए। अब हम इसको ये मैंने दही लिया है, चाट मसाला, काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और मैंने ये खट्टी मीठी चटनी बनाया है आपको अगले वीडियो में बताया था मैंने। और ये मैंने पुदीने और धनिया की चटनी बनाया था, और मैंने इसको दही भल्ले में दही भल्ले को उसमें दही डाल दिया हल्का सा, और हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे, अब थोड़ा सा हम इसमें चटनी डालेंगे। ये मैंने थोड़ी गाढ़ी चटनी बनाया था, थोड़ी से हम गार्निश कर देते हैं। ये देखिए, हमारा दही भल्ले कितना सुंदर बनकर रेडी हुआ है, और इसको काट के खाइए, कितना स्पंजी और कितना प्यारा बनकर हमारा दही भल्ले रेडी हुआ है। इसी तरह बनाइए और खाइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।